हेलो मेरे डियर इंजीनियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे खासे एवं स्वस्थ होंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है निखिल और मैं आज आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया हूं ऑटो कैड के बेसिक टूल्स के बारे में। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, क्योंकि यार वीडियो अगर आप स्किप करके देखते हो तो आपको कुछ भी उसमें समझ में नहीं आएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के घंटे को दबाना मत भूलना। सो गाइस, टीडीपी चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग टीडीपी चैनल के इंस्टा पेज और फेसबुक पेज दोनों को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यार आप लोग के प्यार से ही आज इंस्टा और फेसबुक पेज जो है टीडीपी का बहुत आगे तक गया है। तो गाइस, अगर और भी क्वेरी है आप लोगों को तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली वहाँ पे आपको टेक्निकल से रिलेटेड आपको नई से नई अपडेट आपको वहाँ पे सिंपली मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सिंपली जाना है, वहाँ पे सबको फॉलो एवं ज्वाइन कर लेना है। So guys, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ जो कि कुछ स्क्रीन पे आपके शो हो रहा हूँ, तो मैं इसके बारे में कुछ बता दूँ। तो ये है हम लोगों का ऑटो कैड का सर्टिफिकेट, जो कि सभी जगह वैलिड होंगे। और इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं इस पे स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि उसमें मैं पूरा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगी, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे। सो गाइस, वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन। तो इंजीनियर्स, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अब आपको सिंपली क्या करना है, अपना ऑटोकैड ओपन कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी अपना ऑटोकैड ओपन कर चुका हूँ। ऑटोकैड की दुनिया में स्वागत है, क्योंकि यार ऑटोकैड की दुनिया में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। तो अब मैं आपको सिंपली जो बताऊंगा इसमें पूरे बेसिक से मैं बताऊंगा, क्योंकि यार यूट्यूब पे मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ, यूट्यूब पे इतना बेसिक से नहीं बताया हुआ जितना मैं बताने वाला हूँ। सो गाइस, आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना और एक एक कमांड मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गेट स्टार्टेड, यहाँ पे स्टार्ट ड्रॉइंग का मतलब क्या हुआ कि आप एक इस पे क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर एक नई पेज के अंदर एंट्री हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ से ओपन फाइल, मतलब कोई भी फाइल आपका सेव है तो वहाँ से सिंपली यहाँ पे खोल सकते हो। अब ओपन ए सीट, तो एक सीट अगर ओपन करना है तो यहाँ से एक सीट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब हो गया कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट पे आप काम किए और वो प्रोजेक्ट आज मान लो आप लोग को प्रोजेक्ट पूरा ना हो पाया और आधा पे आपको मतलब कि आधा बना लिया, सेव कर ले तो सेव करके सिंपली यहाँ पे आपको पहले रिसेंट डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, आप सिंपली यहाँ से जा सकते हो। तो हम लोग को अभी जाना है स्टार्ट ड्रॉइंग में, तो स्टार्ट ड्रॉइंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट ड्रॉइंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग के सामने आ जाएगा, तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं, ये जो कर्सर है आपका इतना बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये कर्सर मैंने अपने से बड़ा किया है, कि आप लोग को थोड़ा सा अगर छोटा ये रहता तो आप लोग को जो मैं दिखाऊंगा जो चीज वो शायद आप लोग को ना दिखे अच्छे से, तो इसलिए मुझे बड़ा करना पड़ा है। इसका भी मैं सेटिंग बताऊंगा, सारा सेटिंग मैं आपको कमांड मैं बोला हूं कि आपको याद करवा दूंगा, तो आप लोग चिंता मत करना। ओके गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर पहला हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, जो कि हम इसको डिनोट करते हैं GUI से, इसका शॉर्ट नेम है GUI से। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या आता है, तो फर्स्ट आता है मेरा, अब लेफ्ट साइड के कॉर्नर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑटोकैड का ए साइन बना होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन मेन्यू बार कहते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का आएगा आप लोग के सामने। तो न्यू का मतलब हो गया कोई भी आप पेज न्यू अगर ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से सिंपली ओपन हो जाएगा। फिर सेकंड में आता है मेरा ओपन, ओपन का मतलब मैंने आपको बताया हूँ कि कोई भी फाइल अगर आपने सेव करके ऑटोकैड में रखा है तो वो सिंपली यहाँ पे आप ला सकते हो, ठीक है। सेव का मतलब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, कोई भी चीज को अगर सेव करना हो तो यहाँ पे सिंपली हम लोग सेव कर सकते हैं, कोई भी मेरा प्रोजेक्ट है उसको सेव करना हो तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव एज का मतलब आप लोग जानते होंगे, सेव और सेव एज में डिफरेंस ये है कि सेव का मतलब ये हुआ कि आप जितना ड्रॉइंग कर चुके हो उतना तक उसको सेव कर सकते हो, और सेव एज का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई भी ड्रॉइंग वो कंप्लीट हो गया तो सेव एज करोगे और उसका एक नाम दे दोगे, ताकि अब जो नेक्स्ट जो सेव करोगे फाइल अलग हो जाए और ये फाइल अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ मेरा सेव और सेव एज का डिफरेंस। इम्पोर्ट का मतलब आप लोग कोई भी चीज जो मतलब बाहर से कोई भी PDF के फॉर्म में इम्पोर्ट कर सकते हो ऑटोकैड में, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि आप किसी भी चीज को ऑटोकैड से एक्सपोर्ट कर सकते हो, चाहे वो PDF के फॉर्म में हो चाहे वो DGN के फॉर्म में। ये सब जो जितने भी है मैं इसका एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर का सारा चीज मैं
बताऊंगा कि पीडीएफ क्या होता है, डीडब्ल्यूएफ क्या होता है, डीडब्ल्यूएफएक्स क्या होता है, ये सब मैं, क्योंकि यार आज मैंने सोचा है कि इसको आप लोग को इसमें का पूरा बेसिक मैं आप लोग को बता सकूं, तो इसलिए मैंने ये सब मैं इसका स्पेशली एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊं, तो इसलिए इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी बता दूंगा। उसके बाद आता है पब्लिश। पब्लिश का मतलब आप पब्लिश और प्रिंट दोनों एक ही चीज है। पब्लिश का मतलब दोनों, प्रिंट से हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं और पब्लिश से मतलब कि किसी भी प्रिंटर 3D प्रिंटर को भेजते हैं यहाँ से, मतलब दोनों सेम चीज है, मेल भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा पब्लिश और प्रिंट का मतलब। प्रिंट का मतलब भी वही हो गया मैंने बताया, जो अभी प्रिंट आउट किसी भी चीज का मैं प्रिंट आउट निकालता हूँ तो वो मेरा प्रिंट आउट प्रिंट का मतलब हो गया। ठीक है, शूट फ्लो वर्क मतलब कि ये सब आपको उतना जरूरी नहीं है। ड्रॉइंग तो ये भी ड्रॉइंग प्रॉपर्टी मतलब कि किसी भी ड्रॉइंग का प्रॉपर्टीज होता है, तो ये सब आपको बताएगा इसके अंदर का। और क्लोज का मतलब तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, क्लोज मतलब यहाँ से हम लोग कोई भी पेज को क्लोज कर देंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस अब नेक्स्ट जो आता है हम लोग का क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे आपको शो हो रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो, जब जो अभी हम लोगों ने जाना है एप्लीकेशन मेन्यू बार के बगल में, ये जो चीज आपको दिख रही है इसको हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए नाम है क्योंकि यार जो एप्लीकेशन मेन्यू में हम लोगों ने देखा वही सेम चीज यहाँ पे है, तो आप सिंपली यहाँ से जल्द आ सकते हो। अब GUI के अंदर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर, सेकंड जो आता है हम लोग का टैब्स आता है। टैब, तो टैब्स किसको कहते हैं, तो टैब्स आप सिंपली देख सकते हो, टैब जो होता है मेरा, ये फाइल जो देख रहे हो स्टार्ट ड्रॉइंग टू, यहाँ पे जितने भी फाइल ऐड करेंगे तो ये सब जो जितने भी हो जाएंगे ये सब मेरा टैब है। ठीक है, तो ये सब मेरा टैब है। अब जो थर्ड है मेरा पैनल, पैनल किसको कहते हैं, तो पैनल आप देख सकते हो, पैनल जो होता है मेरा ये चीज मॉडिफाई एनोटेशन लेयर्स ब्लॉक, ये सब जो मेरा है, ये सब मेरा जो हो गया पैनल हो गया एक टाइप का। ठीक है, ये मेरा पैनल हो गया। अब आपको तो गाइस, अब जो मेरा नेक्स्ट है वो है ग्राफिक्स विंडो। ग्राफिक्स विंडो का मतलब हो गया कि ये जो आपको स्पेस, बीच वाला जो स्पेस दिख रहा है, ये इसको हम ग्राफिक विंडो कहेंगे। और इसका एक और नाम है जिसको हम वर्किंग स्पेस का मतलब हुआ कि काम करने की एरिया, उसको भी हम लोग मतलब कि ग्राफिक्स विंडो कहेंगे। सो नेक्स्ट अब आता है कमांड विंडो। कमांड विंडो में क्या होते हैं, कोई भी कमांड अगर हम टाइप करते हैं, कोई भी कमांड अगर टाइप करते हैं, तो जो यहाँ पे नीचे में जो आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स में जो टाइप हो जाएगा, जैसे कि मैं लाइन कमांड को यूज करता हूँ, तो ये सब मैं आपको कमांड आगे बताऊंगा। तो लाइन कमांड मैंने जैसे ले लिया, तो देख सकते हैं यहाँ पे कमांड बार में लिख दिया कि लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे आप जो भी कमांड लोगे यहाँ पे आपको पूरा शो होगा। तो यही होता है मेरा कमांड विंडो। अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का स्टेटस बार है। स्टेटस बार आप सिंपली यहाँ पे जो बॉक्स में कुछ यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये इसी पार्ट को हम लोग स्टेटस बार कहते हैं, जो कि बिल्कुल कमांड विंडो के इसी को हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। सो गाइस, अब जो मेरा नेक्स्ट है ऊपर राइट साइड में जो ये दिख रहा है आपको, इसको हम लोग नेविगेशन बार कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको पैन कमांड ऐसा मिल जाएगा। अब इसके ऊपर जो ये दिख रहा है आपको, इसको हम क्यूब व्यू कहते हैं। क्यूब व्यू का मतलब ये, मतलब ऑल डायरेक्शन ये रोटेट करके आप देख सकते हो कि आपको ड्रॉइंग में अगर कोई भी डायरेक्शन जाना हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर भी, तो आप सिंपली यहाँ से जा सकते हो। तो ये मेरा ये हो। फिर आपको इधर राइट साइड में यहाँ पे जो दिख रहा है ये बाई लेयर, ये सब एक लेयर है, तो ये सब आगे हम लोग को पढ़ना है। तो ये हो गया मेरा एक ऑटो कैड का बेसिक। तो गाइस, आज की वीडियो में मैंने बताया ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस के बारे में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा डिस्प्ले कंट्रोल के बारे में। सो गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि यार मैंने आप लोगों को शुरू में ही बोला था कि ऑटो कैड से रिलेटेड जितना भी जो पार्ट होगा मैं इसका वीडियो 10 से 12 मैक्सिमम 15 मिनट का वीडियो मैं डालूंगा, क्योंकि यार आप लोगों को बोरिंग ना फील हो ये सब चीज में, क्योंकि यार इसमें का हर एक टूल बार मैं आप लोगों को याद करवा देना चाहता हूँ, पूरा रटवा देना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक इंजीनियर्स को एक एक कमांड याद हो, क्योंकि यार इस फील्ड में मैं बता सकता हूँ कि इस फील्ड में आपको बहुत अच्छे खासे पैसे हैं। आप अगर सेट हो जाते हो प्रॉपर, आपको अगर इस ऑटो कैड के बारे में पूरा अच्छे से डीपली नॉलेज है, तो आप सिंपली बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो सो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के घंटे को दबाना मत भूलना, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। आप लोग प्लीज मेरे इस TDP चैनल को सपोर्ट
करे, प्यार दे, क्योंकि यार आप लोग के ही प्यार से टीडीपी चैनल है। और आप लोग प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप सिंपली मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सिंपली वहां पे आपको जवाब दे दूंगा। क्योंकि यार आप ही लोग के प्यार से टीडीपी चैनल है, टीडीपी चैनल आप लोग की डिमांड से चलेगा। जो आप लोग का डिमांड होगा, जिस टाइप का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वो टीडीपी चैनल आपको उस टाइप का वीडियो आपको लाके देगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।